हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हम आज करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रेट लॉस कैसे लिखने हैं। कोई भी रिएक्शन आने दो, रेट लॉस आपको लिखते आना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार पार्ट वन रिविजिट करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी होती है। ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, वेयर एज मॉलिक्युलरिटी होती है थियोरेटिकली कैलकुलेटेड एंटिटी। नीचे सेकंड पॉइंट में हमने डेफिनेशन दिया है ऑर्डर क्या होता है। इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स दोज अपियर इन द रेट इक्वेशन। तो उसके लिए करना क्या, आपको रेट इक्वेशन पहले लिखना है। रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रेट लॉस। ओके, रेट लॉस के जरिए आपको रेट इक्वेशन लिखना है। वहां पे जितने भी रिएक्टेंट्स इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसके कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है, उसकी आप क्या करोगे एडिशन, वहां से आपको पता चल जाएगा ऑर्डर कितना है। अब हम आते हैं मॉलिक्युलरिटी पे। ये क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंटरी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होने दो, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्ट ले रहे हैं, दो है, तीन है, चार है, कितने हैं, वो होती है आपकी मॉलिक्युलरिटी। थर्ड पॉइंट में क्या हो सकता है, ऑर्डर जो है वो आपका वो इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी में कंपलसरी वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। कैसे समझोगे इस चीज को, देखो मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कभी 1.5, 3.7 ऐसे हो सकते क्या? नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट अलाउड नहीं। जीरो होंगे तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं, करेक्ट। सो वो क्या होने चाहिए कंपलसरी, इंटीजर। वन है, टू है, थ्री है, कितने है? ओके, सो ये हुआ बेसिक डिफरेंस। हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट कोई भी रिएक्शन को। यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन हमें दी है जो है एक एलिमेंट्री रिएक्शन, जहां पे C2H5I गैशियस स्टेट में है, जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C2H4 गैशियस स्टेट में, और आपको मिल रहा है HI अलोंग विथ इट। तो इसका रेट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स K होता है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5I जो अपना रिएक्टेंट है, विच इज इथाइल आयोडाइड, करेक्ट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो कितने हैं, एक ही है, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई इस रिएक्शन की, वन, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स आपको सामने आ रही है उसकी पावर है वो कितनी है, वन है, इसीलिए ऑर्डर कौन सी हुई, वन, ऑर्डर इक्वल्स वन, इसीलिए कौन सी रिएक्शन हुई, फर्स्ट ऑर्डर, करेक्ट। इट इज कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। एक इक्वेशन है यहाँ पे 2NO2 गैसीय स्टेट में है, जिसका कन्वर्जन हो रहा है 2NO2 में, और ऑक्सीजन गैस से वो इवॉल्व हो रहा है, करेक्ट। तो इसका जो रेट हम लिखने वाले हैं, तो रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट जो होता है वो के मल्टीप्लाई बाय NO2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2। तो जितना भी पावर है उतना उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। सो दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स वहां पर मौजूद है, एक ही है, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी इज वन होनी चाहिए। लेकिन कितने मोल्स है, मोल्स भी तो मैटर करेंगे। NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो है, तो इसलिए कितने हुए मॉलिक्यूल्स, दो, इसलिए रिएक्शन कैसी है, बाय मॉलिक्यूलर। सो दिस गिवन फंडामेंटल एलिमेंटरी रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर एंड बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, सो ये पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको। तो हम आगे जाते हैं कि अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एग्जैक्टली होता क्या, ठीक है। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम करते क्या है, तो बेसिकली जो रिएक्शंस होती है, कोई भी रिएक्शन होने दो, वहां पे हम करते क्या है कि स्लोएस्ट स्टेप कहाँ पे है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे स्टेप में जा रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, NO2Cl ये लिया हमने, जिसका कन्वर्जन हो रहा है 2NO2 में और Cl2 में। NO2 और Cl2 दोनों गैसेस फॉर्म में है। यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिकली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसके जो रिएक्शन होती है वो दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में एग्जैक्टली होता क्या है, NO2Cl गैस जो है वो कन्वर्ट होता है पहले NO2 में, फिर बचता है Cl, ठीक है। तो ये सब होने में क्या एग्जैक्टली करना पड़ता है, यहाँ पे देखो NO2Cl ये कंपाउंड है, तो NO2 अलग करना है, Cl अलग करना है, करेक्ट। सो ये दो चीजें जब हमें अलग करने हैं तो उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अलग, अदरवाइज रिएक्शन होगी नहीं। तो ये जो स्टेप है वो कौन सी स्टेप, कैसी स्टेप है, स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप। एक बार ये स्टेप हो गई, आगे जाके क्या हो सकता है, दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल लो, ये Cl जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले स्टेप में फॉर्म हो चुका है। तो ये फॉर्म हुआ हुआ Cl जो है वो यहाँ पे मदद करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए। ओके, अब देखो दो रिएक्शन स्टेप्स आपके पास है, दोनों के आप रेट लॉज लिख सकते हो। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय यहाँ पे जो भी रेट कॉन्स्टेंट्स लगने वाले हैं दोनों रिएक्शन के लिए अलग अलग होंगे।
बट अगर आप दोनों स्टेप्स को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा जो सेकंड स्टेप है वो कैसा है, फास्ट है। इसका ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखते हो तो क्या हो सकता है, जो भी कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्शन के वो कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे सीएलजी, सीएल गैसियस स्टेट और सीएल गैसियस स्टेट कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी बचता है वही हुआ आपका ओवरऑल रिएक्शन। दैट्स हाउ यू राइट ओवरऑल रिएक्शन। बट द पॉइंट इज हाउ टू डिटरमाइन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जनरली इन गिवन स्टेप्स ऑफ रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। ओके, तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, पहला, करेक्ट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है उसके ऊपर। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब ऐसा इंटरमीडिएट है जो फॉर्म भी होगा लेकिन सेकेंड स्टेप में वो तुरंत कंज्यूम भी होगा, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल रिएक्शन जब लिखी जाएगी उसमें आपको वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। कौन नजर नहीं आया हमें, ये दोनों स्टेप को कैलकुलेट करते समय सीएल गैस हमने क्या किया, कैंसिल किया। तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कौन है, जो पहले स्टेप में फॉर्म हुआ लेकिन सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो गया, करेक्ट। सो इन दिस केस सीएल गैशियस फॉर्म इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। फिर हम आते हैं अभी डेरिवेशन पे। तो सबसे पहला डेरिवेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा, जहां पे ऑर्डर जो होती है वो वन होती है, जहां पे आप करते क्या हो, रेट लॉ लिखते हो जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स होती है, उसके पावर की आप सम करते हो, एंड दैट्स हाउ यू गेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट। तो अगर वो सम जो है वो वन आई तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टू आई तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एक जनरल रिएक्शन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ए गिव्स यू प्रोडक्ट। ए कोई भी रिएक्टेंट है, वेरी जनरल ए, जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। रेट क्या होती है चीज, रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। तो जैसे टाइम आगे आगे जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो ए अपना रिएक्टेंट है, आगे रिएक्शन अगर आगे जा रही है तो ए रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम हो रहा है मतलब एक पॉइंट ऐसा भी तो आ सकता है जहां पे वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, बट आपने अगर टाइमर लगाया तो वो क्या रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो कम होता जा रहा है इसका मतलब हम किससे डिनोट करेंगे, वो नेगेटिव साइन से। सो जो रेट हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, करेक्ट। इक्वल्स क्या लिखा हमने, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। व्हाट इज के, के इज योर रेट कॉन्स्टेंट बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, करेक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को इंसर्ट करते हैं। सो कौन सा कॉन्स्टेंट हमने इंसर्ट किया यहाँ पे, के, ठीक है। वेयर दिस जो बड़े बॉक्स में लिखा जाता है उसको कहा जाता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम फाइनल इक्वेशन को कहां से शुरुआत करेंगे, तो ये वाला जो है डी ए अपॉन ए इक्वल्स माइनस के डी टी। अब ये कहां से आया, देखो रेट का जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हमने 6.4 में, उसमें क्या होगा, डी टी इस साइड पे जाएगा, ए जो है वो इस साइड पे आएगा, करेक्ट। सो हमें क्या मिला, डी ए अपॉन ए इक्वल्स माइनस के डी टी, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, आगे इंटीग्रेट करेंगे हम डायरेक्टली। इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, ए से लेके ए जीरो तक, ओके, ए से ए जीरो से लेके ए टी तक। ए जीरो मतलब क्या हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट ए का। ए टी का मतलब क्या हुआ, एक टाइम हो गया, फिर जो जितना कॉन्सेंट्रेशन ए का बचा वो हुआ ए टी, ठीक है। तो जो ऊपर का इक्वेशन था अपना रीअरेंज करके वो है डी ए अपॉन ए इक्वल्स माइनस के इंटीग्रेशन जीरो टू टी। अब जीरो टू टी क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि टाइमर जिस पॉइंट पे आपने सेट किया है, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, वो है आपका टाइम टी इक्वल जीरो, राइट। जहां पे आप मॉनिटर कर रहे हो, रुका रहे हो रिएक्शन को, वो है आपका टाइम टी और डी टी। इसको क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के बाद कभी भी हम डी ए अपॉन ए है उसका इंटीग्रेशन आता है ln a, करेक्ट। जो भी इंटीग्रेशन है उसको लिमिट से, तो लिमिट को हम कैसे दिखाते हैं, लोअर लिमिट नीचे होगा, अपर लिमिट ऊपर होगा, राइट। इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन डी टी का आंसर आएगा टी, कहां से कहां हो रहा है वो, जीरो से लेके टी तक। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स विल गिव यू दिस आंसर। मतलब क्या किया, कभी भी देखो इंटीग्रेशन करने के बाद जो अपर लिमिट आता है वो पहले सब्स्टिट्यूट करो और जो लोअर लिमिट आता है वो उसके बाद माइनस करके सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे अपर लिमिट कौन है, ए टी है ना अपना, तो एल एन ए के जगह पे कौन आएगा, ए टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये टर्म मिल गई हमें, राइट। यही प्रोसीजर हमें रिपीट करनी है, माइनस साइन देके ए जीरो को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये टर्म मिल गई, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, टी यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया माइनस जीरो, अब टी माइनस जीरो गिव्स यू टी, करेक्ट। सो माइनस के इनटू टी,
अब आप क्या करोगे, यहां से यहां आने के लिए क्या किया हमने, लॉग के रूल्स इस्तेमाल किए. क्या रूल है लॉग, अब यहाँ पे ln है तो ln भी आप लिख सकते हो, log m माइनस log n equals log m upon n, करेक्ट. ln का मतलब क्या हुआ, ln मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम, बेस जो है वो e होता है, ठीक है. तो अगर log कोई कहीं पे भी बेस नहीं होता तो वो हमेशा क्या होता है, e होता है. तो log टू द बेस e ऐसा भी लिखा जा सकता है या फिर सिर्फ ln लिखा तो भी चलेगा, ओके. तो उसके बाद हम क्या, हमने क्या किया, ए टी अपॉन ए नॉट इक्वल्स क्या मिला हमें, माइनस के टी. अब हमें करना क्या है, मुझे इंटरेस्ट है के में, ठीक है. तो यहाँ से हम के कैसे निकालेंगे, देखो माइनस के है, माइनस के वैसे का वैसा हम रखेंगे, टी जो है वो उधर जाएगा और हो जाएगा वन अपॉन टी एल एन ए टी अपॉन ए जीरो, करेक्ट. अब आप बोलेंगे यहाँ पे हो क्या गया एग्जैक्टली, माइनस साइन किधर गया, तो गया कुछ नहीं है. माइनस साइन अगर आप लॉग को अगर देते हो तो लॉग जिस रेशो का आप ले रहे हो उसका क्या करना है, आपको उल्टा करना है. कहने का मतलब क्या है कि अगर लॉग आप m का लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको 1 अपॉन log m, माइनस साइन हटा दे सकते हो. किसी भी log के टर्म को अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसका आपको लेना क्या पड़ता है, रेसिप्रोकल, ओके. तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, at अपॉन a नॉट है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लो, a नॉट अपॉन at, वही उन्होंने यहाँ पे किया और माइनस साइन को हटा दिया, ठीक है. तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन, ऑलराइट. उसके बाद उन्होंने क्या किया है, तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना है. ऐसा क्यों किया जाता है, तो बेसिकली ln का मतलब हमने क्या बोला, ln होता है नेचुरल लॉगरिथम, राइट. तो नेचुरल लॉगरिथम को हमें कन्वर्ट करना है अपने लॉग टू द बेस 10 से. ऐसा क्यों, क्योंकि जो लॉग टेबल आप इस्तेमाल करते हो उसमें कौन से टाइप के लॉगरिथम की वैल्यूज होती है, वही होते हैं जो लॉग टू द बेस 10 होते हैं, करेक्ट. तो वैल्यूज देख के आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पूछा जाता तो क्या करोगे आप, ln जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से, ताकि आपको आंसर क्या मिल जाएगा, लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में, ओके. सो ये हो गया इक्वेशन किसका, ये इक्वेशन आपको बताता है रेट कॉन्स्टेंट किस रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कैसा रेट कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हमने निकाला है. मतलब क्या किया, रेट लॉ लिखा, रेट इक्वेशन लिखा, उसका इंटीग्रेशन किया, उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट किए, लॉग के फॉर्मूला इस्तेमाल किए और फिर ये इक्वेशन निकाला, करेक्ट. तो इसलिए हमने उसको, हम उसको बोल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ओके. अब ये हो गया, अब थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा इंटर कन्वर्जन करेंगे इसमें. मतलब क्या कि अभी जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में टू द बेस्ट है, राइट. तो सेम इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, जो भी इक्वेशन 6.6 है आपका ये वाला, वही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ln kt at upon a naught equals minus kt, ठीक है. इसका फॉर्म सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे. आपको पता है कि जब भी यहाँ पे एंटी लॉग लिया जाता है तो नेचुरल लॉग जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो निकल जाएगा, क्योंकि लॉग मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग विल गिव यू द एक्चुअल नंबर, करेक्ट. और फिर ये जो kt है उसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर जाएगा वो. तो मतलब ये जो रेशो है at अपॉन a नॉट, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन गिव्स यू e टू द पावर माइनस kt, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मुझे पूछा कि at कितना है, at का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मे बी वो टाइम टी कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड के बाद, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, करें. तो वो at जो है वो क्या मिलेगा, a नॉट लो, a नॉट का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मल्टीप्लाई करो e टू द पावर माइनस kt से, ओके. इतना क्लियर है. जनरली हम एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, इसीलिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट. ई रेस टू समथिंग, आप तो क्या ई का टेबल तो पढ़ेंगे नहीं, राइट. जैसे 2 का टेबल इतना आसान से हो जाता है, वैसे ई का तो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब करता है बट लेकिन वो याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. सिंस यू आर लाइक यू हैव लॉग बुक हैंडी, तो आप क्या कर सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो कभी भी याद रखो, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो एक्सपोनेंट की टर्म अगर आती है तो आप, आपको करना क्या है, दोनों साइड पे लॉग लेना है. एंड ऑल्सो रिमेम्बर वन थिंग कि लॉग लेने के बाद उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि डायरेक्टली वैल्यूज आप लॉग टेबल से देख सको, ओके. अब हम आएंगे सेकेंड केस पे, जहां पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल ए नाम का कुछ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है. कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हुआ, मोल पर डेसिमिटल यू, ठीक है. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे टाइम कितना होगा, टी इक्वल्स जीरो, राइट. सो लेट एक्स बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट डिक्रीजेस ड्यूरिंग टाइम टी. टाइम टी में क्या हुआ, ए से कॉन्सेंट्रेशन कहाँ आ गया, एक्स पे आ गया, ओके. तो बचा कितना, ऑब्वियसली ए माइनस एक्स.
करेक्ट. सो ए नॉट के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, ए, और ए टी के जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, ए माइनस एक्स. दैट्स इट, इतना ही क्लियर, राइट. तो ऐसे हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन डिराइव किया, किसका, रेट कॉन्स्टेंट का. अब हम आते हैं यूनिट पे, जो जनरली बोर्ड के एग्जाम में आपको सेक्शन बी में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला लिखो और उसका यूनिट क्या होता है वो लिखो. तो यूनिट कैसे लिखोगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पहले हमें ध्यान में लेना है, ठीक है. अब लॉग जिसका आप ले रहे हो ए नॉट अपॉन ए टी. अब ए नॉट क्या है, ए नॉट तो कॉन्सेंट्रेशन है, किसका, ए का. ए टी क्या है, ए का ही कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम टी. मतलब न्यूमरेटर पे कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर भी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट हो जाएंगे कैंसिल. तो जिस चीज का आप लॉग ले रहे हो वो खुद यूनिट लेस है. तो यूनिट का इसके वजह से कुछ फायदा होगा क्या, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, के की यूनिट को बिल्कुल नहीं. तो के का यूनिट किसके ऊपर डिपेंड है, 2.303, जस्ट नंबर, राइट. तो नीचे कौन है डिनोमिनेटर में, टी. टी मतलब टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, कहाँ है टाइम, डिनोमिनेटर में. सो के का यूनिट क्या हो गया, पर सेकेंड, ओके. सो रेट लॉ अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है तो उसका यूनिट क्या हो जाता है, पर सेकेंड, ओके. पर सेकेंड होता है, पर मिनट भी हो सकता है, पर आर भी हो सकता है, क्योंकि टाइम आप किस में मेजर कर रहे हो. कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है वो जो मिली सेकेंड में खत्म हो जाती है, तो उसका रेट का इक्वेशन क्या होगा अगर वो फर्स्ट ऑर्डर हुई तो, पर मिली सेकेंड, ओके. अब हम आते हैं हाफ लाइफ पे. हाफ लाइफ बाय डेफिनेशन होता क्या है कि आप कोई भी अगर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हो रिएक्टेंट पे, फॉर एग्जाम्पल इट्स ए, एक टाइम आ जाता है जहां पे ये कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ हो जाता है. हाफ का मतलब क्या हुआ, ए बाई टू हो गया, राइट. सो इस ये टाइम को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है. तो क्या हमने डिफाइन किया, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है. मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाय टू. ये करने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है. अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कॉन्स्टेंट. अगेन वी आर स्टिकिंग टू द ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके. सो के का इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ लॉग टू द बेस 10, ए नॉट अपॉन ए टी, करेक्ट. के इक्वल्स 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी टू द बेस 10, ओके. तो हमने जैसे बोला कि हाफ लाइफ जो होता है, जहां पे होता क्या है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन हाफ आ जाता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए नॉट जो है मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो हो गया हमारा हाफ, करेक्ट. कितने टाइम में हो गया, जब टी इक्वल्स टी हाफ हो गया, राइट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों चीजों को, करेक्ट, दिए हुए इक्वेशन में. सो टी के जगह पे आएगा टी हाफ, ए टी के जगह पे ए टी और ए नॉट अपॉन टू, राइट. तो यहाँ पे ऊपर कौन है, ए नॉट है ना, तो यहाँ पे कौन होना चाहिए, ए नॉट, करेक्ट. सो ए नॉट, ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल. ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय टी हाफ. इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग 2 की वैल्यू, अगर आपको देखनी है लॉग बुक में तो वो वैल्यू है 0.3010, ओके. 2.303 और 0.3010 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आता है 0.693, करेक्ट. सो इक्वेशन क्या हुआ हमारा, के इक्वल्स 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. अगर न्यूमेरिकल में आपको के दिया है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का दिया है, टी हाफ पूछा है, तो क्या करोगे, टी हाफ इधर आएगा, रेट कांस्टेंट इधर आएगा, करेक्ट. वहां पे सिर्फ डिवीजन करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, करेक्ट. टी हाफ अगेन टाइम है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, सेकेंड, अगर या फिर मिनट, या फिर कितना हो सकता है, आर भी हो सकता है. और इसका क्या होगा, एग्जैक्टली इनवर्स, मतलब सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या फिर आर इनवर्स, ओके. तो अब हम क्या करेंगे आगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे. सो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, तो इक्वेशन जो हम लेंगे वो कौन सा ले रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. ये जो ग्राफ है वो है हाफ लाइफ पीरियड का, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है. सो हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया, टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के हाफ. मतलब के हाफ क्यों लिखा है, बिकॉज के इज रेट कॉन्स्टेंट एट टी हाफ, ओके. हाफ लाइफ पीरियड जब होता है तब उतना के हाफ आपको मिलता है, राइट. सो यहाँ पे जो प्लॉट किया है हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेज टाइम,
तो वो क्या जा रहा है, एक्सपोनेंशियल। क्यों एक्सपोनेंशियल जा रहा है, बिकॉज इक्वेशन देखो क्या है। ओके, तो इस प्रकार से हम उसको प्लॉट करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी इक्वेशन आपने अभी डिराइव किया है उसका जो फॉर्म है वो क्या है वो समझना पड़ेगा। उसमें कौन सा फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, करेक्ट। तो आप क्या वर्सेस क्या प्लॉट कर रहे हो, सबसे पहले वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो रेट जो हमने लिखा वो क्या है, रेट इक्वल्स माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स के इंटू ए टी, राइट। सो ये जो इक्वेशन है वो अगर आप देखोगे तो फॉर्म कैसा है उसका, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, राइट। तो एम मतलब क्या होता है, स्लोप। ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का, राइट। अगर वो पासिंग थ्रू ओरिजिन जा रही है तो सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अगर वो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मतलब क्या हुआ, सी की वैल्यू जीरो, स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से जाएगी, सीधा ओरिजिन से, राइट। क्या वर्सेस क्या प्लॉट कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। रेट वर्सेस क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सो रेट बढ़ रहा है, आगे आगे जा रहा है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पे जो अब देखो, क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हो क्या रहा है, वो कम हो रहा है ना, जैसे टाइम आगे जा रहा है। तो मान लो यहाँ पे मैंने अगर टाइम लिया, ओके, और यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं सपोज 80, करेक्ट। 80 मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, राइट। टाइम जैसे आगे जाएगा वैसे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कुछ पॉइंट पे ये था और वो क्या हो रहा है, नीचे 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 आ रहा है, राइट। सो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है आपका, ए नॉट, अंडरस्टूड। इस प्रकार से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो वो माइनस साइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ऐसे हम यहाँ पे पार्ट, ये पार्ट खत्म करते हैं, आगे हम जाके सेकंड ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ये भी कवर करेंगे। टिल दैट पॉइंट कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है आगे शेयर भी करें।